बात करेंगे लालू को मिली राहत, राहत पर बटे लड्डू और लड्डू पर हुई लड़ाई। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में दिल्ली कोर्ट ने पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी राजद सांसद मीसा भारती और अन्य आरोपियों को जमानत दे दी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को पेश होने का नोटिस दिया था, जिसके बाद आरोपियों ने कोर्ट में पेश होकर जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती समेत अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। ब्राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। पेशी के दौरान लालू यादव व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुंचे थे, जिस पर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने तंज कसते हुए निशाना साधा। उन्होंने तो अपने शासन काल में पूरे बिहार को ही व्हील चेयर पर बैठा दिया था। जिस ढंग से भ्रष्टाचार हुआ, जिस ढंग से राज्य के खजानों की लूट हुई, भ्रष्टाचार के आधार पर कार्य होता रहा, उससे बिहार की स्थिति दिनों दिन खराब होती गई। आप जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार की जांच कर रही हैं, उस जांच का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई ने 7 अक्टूबर 2022 को लालू राबड़ी और बेटी मीसा समेत 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहने के दौरान जमीन के बदले रेलवे में नौकरियां दी। वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लालू यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस परिवार ने चारा घोटाले से कुछ सीखा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। इसके अलावा उन्होंने जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह पर भी बड़ी बात कही है। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव का पूरा परिवार आज कोर्ट में पेश हुआ है। संजय जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, अगर चारा घोटाले के समय इस परिवार ने सबक सीख लिया तो आज यह नौबत नहीं आई। लेकिन चारा घोटाला हुआ, देवगौड़ा को समय आप जो कि उन्हीं के पार्टी के प्रधानमंत्री थे, आप जेल में गए। मनमोहन सिंह जी के आप साझेदार थे, फिर भी आप जेल में गए। उसके बाद भी जब आप सांसद बनते हैं तो फिर नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाते हैं, रेलवे की जमीन मुफ्त में किसी को देकर उसके एवज में आप पटना में जमीन लिखवाते हैं। तो जो अपराध आपने किया है और उस अपराध में जिन जिन बच्चों को साझेदार बनाया, आज जब सबूत आ रहे हैं तो सबके साथ। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं, उनका पूरा परिवार कह रहा है कि आप बीजेपी आपकी पार्टी टारगेट कर रही है। तेजस्वी यादव का एक बयान दिखा दीजिए कि हम लोगों ने किसी को भी नौकरी के बदले जमीन नहीं लिया। असली मुद्दा प्रताड़ित करना ईडी और सीबीआई नहीं। तो देखिए, लैंड फॉर जॉब केस में घिरे लालू परिवार को आज राहत जरूर मिली है, लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी वालों को जनता दल से पूछना चाहिए कि उसके कागजात सीबीआई को किसने दिए। लैंड फॉर जॉब स्कैम में आज लालू यादव कोर्ट के अंदर पहुंचे हैं, उनका परिवार भी उनके साथ है और लगातार उनके पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। हमारे साथ सांसद और बिहार के उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी, जिनसे बात करेंगे। सर, आरजेडी लगातार आरोप लगा रही है कि लालू यादव और उनके परिवार को मोदी सरकार ने परेशान कर रहा है। आरजेडी वालों को तो जनता दल से पूछना चाहिए ना, क्या इसके कागजात सीबीआई को किसने दिए? आज जो जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह और उस समय शरद यादव भी जीवित थे, इन्हीं लोगों ने जाकर मनमोहन सिंह को सारे कागजात उपलब्ध कराए थे कि किस तरह से नौकरी के बदले जमीन लिखवाई गई है, उसी की जांच चल रही है। तो तंग करने की बात कहां पैदा होती है? ललन जी कह दी कि जो मैंने कागजात दिए फर्जी थे, जाली थे, कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए। आपने कागज दिया, भले आज आप बदल गए हो, आप कल तक लालू के खिलाफ थे, आज लालू के पक्ष में आप खड़े हो गए,
इसका मतलब केस तो बंद नहीं हो सकता है। तो देखिए, जिस लैंड फॉर जॉब स्कैम पर सियासत गरमाई हुई है, आपको बताते हैं यहाँ ग्राफिक्स की मदद से कि आखिर वो स्कैम पूरा क्या है, ये मामला क्या है जिस मामले में आज लालू परिवार को राहत मिली है। लैंड फॉर जॉब स्कैम, लालू के रेल मंत्री रहते ये स्कैम का आरोप उन पर लगा था, और आरोप क्या है लालू पर और उनके परिवार के बाकी सदस्यों पर वो भी आपको बताते हैं। 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे लालू यादव, और इस दौरान उन पर आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का उन्होंने काम किया है, यानी जिन लोगों को नौकरी दिलवाते थे उनसे जमीन लेते थे। लालू और उनके परिवार वालों पर ये आरोप लगे हैं। कई सदस्य हैं लालू के परिवार के, जिसमें उनकी पत्नी भी शामिल है, जिन पर ये आरोप है। 2022 में लालू एंड फैमिली पर सीबीआई ने इस मामले के चलते एक केस दर्ज किया था, यानी पिछले साल ही सीबीआई ने ये केस दर्ज किया। 1,00,000 स्क्वायर फीट जमीन 26,00,000 में ली थी, ये एक आरोप लगाया है सीबीआई ने, जिसका खुलासा किया है अपनी चार्जशीट में इस मामले में कि 1,00,000 स्क्वायर फीट जमीन 26,00,000 रुपए में ली गई थी। इसके अलावा इस लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में जमीन का जो सर्कल रेट है उस वक्त 4.39 करोड़ रुपए था, यानी कि काफी महंगी जमीन थी, और लैंड ट्रांसफर के केस में कैश में हुआ था भुगतान, जो कि बिल्कुल गलत है, लीगल नहीं है। सीबीआई ने ये तमाम खुलासे अपनी चार्जशीट में और आरोपों की बात जो है वो बताई थी लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ। तो ये जो तमाम चीजें सामने आई लैंड फॉर जॉब स्कैम में, वो कोर्ट तक पहुंची, लेकिन कोर्ट ने आज जमानत दे दी है लालू एंड फैमिली को। Z News.